हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग. वंस अगेन वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है. तो गाइज, आज का ये जो सेशन है संकल्प, ये आपका क्लास 4 है. सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट टुडे सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. ढेर सारे सब्जेक्ट वाइज क्विजेस आपको मिलते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. उसको अटेम्प्ट कीजिए. प्लस 27 तारीख को, ठीक है, 27 को एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है IBPS AFO के मेंस के लिए. तो उसको यहाँ पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. जब वो एक्टिव हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा. ध्यान रखिएगा, बस आपको उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है. वेरी गुड मॉर्निंग स्मृति, जसप्रीत, मयूर, नरोत्तम, वेलकम टू द सेशन. एंड भाई, अगर आप नए हो चैनल पर, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल. और जो PDFs है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे. टेलीग्राम चैनल का नाम भी एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वीट साइड्स. ओके, सो आज के क्वेश्चन एग्रोमेटियोरोलॉजी से है, एंटोमोलॉजी से है, ठीक है, एंड थोड़ा एग्रोनॉमी से भी है. ओके, सो इजी टू मॉडरेट. एग्रोमेटियोरोलॉजी के ऑब्वियसली आपको इजी मिलेंगे, ठीक है. थोड़ा सा एंटो में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक है. सो लेट्स गो अहेड और देखते हैं कि कितने लोग कितना सही करते हैं. आज एक चीज और करना है, क्लास के एंड पे मुझे बताना है कि टोटल 40 क्वेश्चन है और 40 में से कितने सही हुए. वेरी गुड मॉर्निंग ह्यूमैनिटी, हेलो मुकेश, वेलकम टू द सेशन. वेरी गुड मॉर्निंग आशुतोष, ठीक है. 40 से कितने सही हुए मुझे लास्ट में बताना. देखते हैं कि यार कितना एक्यूरेसी है आप लोगों का. ओके चलो, विकी अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज नहीं है मेरे पास, मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है. चलो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वीट साइंस, ऑलरेडी आप लोग आंसर दे चुके हो. वेरी गुड मॉर्निंग विशु, द राइट आंसर हियर इज जेथ्रो टूल. क्या होगा? जेथ्रो टूल इज द राइट आंसर. नंबर 2, द हार्मफुल इफेक्ट दैट वन प्लांट हैज ऑन अनदर वाया द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स इज नोन एज डैश, ठीक है. जब भी एक प्लांट कोई केमिकल प्रोड्यूस करता है और उसके वजह से दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोलेर्जोन, एलोमोन, एलिलोपैथी, एंटीजेनोटिक्स, या नन ऑफ द अबव. विकी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर मुझे कंफर्म करना पड़ेगा. बिना इन्फॉर्मेशन के मैं इस चीज को ये नहीं बता सकता हूं कि क्या हुआ है. एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है. एलिलोपैथी, वेरी गुड. सो एलिलोपैथी क्या है? सो बेसिकली एक प्लांट ना कुछ इस तरह के प्लांट टॉक्सिन्स या फिर कुछ इस तरह के कंपाउंड्स, केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम एलिलोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है. ये एलिलोकेमिकल्स क्या करते हैं? दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे अगर आप यूकेलिप्टस के नीचे कोई फील्ड क्रॉप लगाओगे तो उसका ग्रोथ इनहिबिट होता है. सोरगम एलिलोपैथिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है. सो इस तरह के अलग अलग एलिलोपैथिक इफेक्ट हैं जो क्रॉप्स दिखाते हैं. यहीं पर एक पॉजिटिव इंटरेक्शन भी होता है, मतलब कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एनिडेशन. क्या कहते हैं? एनिडेशन कहते हैं. इस चीज का ध्यान रखिएगा. गॉट इट? हाँ, वेरी गुड. गुड मॉर्निंग धरित्री, क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर मिक्सड विथ मस्टर्ड सीड्स टू एडल्ट्रेट इट एंड विच ऑल्सो कॉजेज द डिजीज ड्रॉपसी, ठीक है. इनमें से कौन सा सीड से जो मिक्स किया जाता है मस्टर्ड सीड के साथ उसको एडल्ट्रेट करने के लिए और इसी के साथ वो ड्रॉपसी डिजीज भी कॉज करता है. आंसर गाइस, जस्ट अ मिनट. ओके, राधे राधे आकाश, वेलकम टू द सेशन. बी, आर्जिमोने मैक्सिकाना, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना. कुछ इस तरह का दिखता है ये प्लांट. ओके नेक्स्ट, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखा ही होगा इसको कभी ना कभी, तो जो फील्ड्स हैं या फिर खाली फील्ड्स होते हैं वहां पर आपने देखा ही होगा, ठीक है. हाँ, ऑल्सो कॉल्ड सत्यानाशी. ओके, द वीड एकिनोकोला कोलोनम अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. वीड साइंस से कुछ क्वेश्चन है. वीट, राइस, पीस, टोमेटो, मेज, प्रिकली प्रॉपी. आंखों का अंधापन, ये नहीं पता था मुझे. थैंक यू सो मच. द वीड एकिनोकोला कोलोनम अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. राइस, एब्सोल्युटली करेक्ट. एकिनोकोला के जितने भी स्पीशीज है ना मोस्टली वो राइस को अफेक्ट करते हैं. इस चीज का ध्यान रखिएगा.
ठीक है, कुछ इस तरह के ये प्लांट्स दिखते हैं. ओके नेक्स्ट, द वीड चिनोपोडियम एल्बम अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. चिनोपोडियम एल्बम इनमें से कौन से क्रॉप को अफेक्ट करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आद्या. ओके नेक्स्ट, व्हाट इज हेटेरोटेलर जोन. अच्छा मैं एक बार बता देता हूं. ठीक है, द वीट चिनोपोडियम एल्बम यहां पर क्या करता है भाई. वीट तो है नहीं, वीट अगर नहीं है तो क्या होगा. वीट तो है नहीं ना ऑप्शन में, मिलेट्स. ठीक है, वीट तो ऑप्शन में है ही नहीं, यहां पर मिलेट्स होगा. ओके चलो एक बार ये वाला देख लेते हैं. ये है क्या, दिस इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर एलिलो केमिकल्स. ठीक है, ये एलिलो केमिकल्स का ही एक दूसरा नाम है. क्लियर, ठीक है चलो. कहां चला गया का? हाँ ये रहा. ठीक है मिलेट्स हो गया. अब नंबर सिक्स पे चलते हैं. ये कुछ इस तरह का दिखता है आपका क्या चीज, चिनोपोडियम एल्बम. ओके नेक्स्ट, द वीड सैकरम स्पॉन्टेनियम अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. ठीक है, सैकरम स्पॉन्टेनियम कौन से क्रॉप को अफेक्ट करता है. चिनोपोडियम एल्बम पीज में नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम आता है. ज्यादातर वीट और मिलेट्स में देखने को मिलता है. ठीक है, पीज में ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, रबी क्रॉप्स में जनरली चिनोपोडियम एल्बम का वीट देखने को मिलता है. बट अगर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूँ कि यार दो ऑप्शन मेरे पास है, दोनों में आता है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, तो मोस्टली सीरियल के केस में मिलेट्स में आता है. ठीक है, इन कंपेरिजन टू पीज. ठीक है नेक्स्ट, हाँ शुगर केन तो है नहीं. ओके सो मेज इज द राइट आंसर. ओके इसका जो फ्लावर वगैरह है ये मोस्टली शुगर केन की तरह दिखता है. ठीक है, लेकिन प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं और काफी पतले पतले से होते हैं. ओके नेक्स्ट, टोमेटो इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स. टोमेटो के क्रॉप में कौन सा वीड देखने को मिलता है. एग्रोपायरन पोर्टुलैका, स्केंकरस, सिलियारिस, चिनोपोडियम एल्बम. ओनली वन टू थ्री, टू एंड थ्री या ओनली वन एंड थ्री. दिख रहा है ना सारा ऑप्शन, विजिबल है ना. बिल्कुल हो सकता है जो रबी क्रॉप्स है उनमें चिनोपोडियम एल्बम हो सकता है. ठीक है, मोस्ट रबी क्रॉप्स में. हाँ कांस, इससे हाथ कट भी जाता है, जो क्या बोलते हैं सैकरम है ना, सैकरम के वीड से. ठीक है, इससे हाथ भी कट जाते हैं अगर जोर से आपने पकड़ लिया और उसको खींचने की कोशिश की और वो हाथ से स्लिप हो गया निकलने की वजह, तो हाथ भी कट जाते हैं. मतलब मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है. ठीक है, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, एग्रोपायरन एंड चिनोपोडियम. वेरी गुड. ठीक है नेक्स्ट, क्लाइमेट पर्टेंस टू डैश लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, ओनली बी एंड सी, नन ऑफ द अबव. इजी क्वेश्चन है. हाँ श्योर आद्या, करता हूं. पहले इसका आंसर दे दो सब लोग. क्लाइमेट पर्टेंस टू डैश. क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं क्या होता है, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है. वेरी गुड सायक, सायक बहुत दिन बाद दिख रहे हो आप. वेरी गुड गाइस, सायक, आरुषि, योगी, वेरी गुड. आशुतोष, अरिंदम, चंदू, दिग्विजय, प्राची, स्मृति, अर्पिता, अंकिता, कुलदीप, ह्यूमैनिटी, नरोत्तम, जसप्रीत, आकाश, मिनल, ठीक है आद्या, वेरी गुड. ठीक है, सो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है. अब बात यह है कि आद्या ने यहाँ पर एक डाउट पूछा है कि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक क्रॉप का रेस्पिरेशन के साथ क्या रिलेशन है. सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक है क्या. देखो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको अगर आप ट्रीज से हार्वेस्ट कर भी लोगे या फिर पिक कर लोगे तब भी वो क्या होते हैं, राइपेन होते जाते हैं. क्या होते हैं, राइपेन होते जाते हैं. और ये राइपेन क्यों होता है, राइपनी जो राइप होता है या फिर राइपनिंग स्टेज होता है ना, दैट इज नथिंग बट मैच्योरिटी. मतलब आपका जो क्रॉप है या फिर कोई भी लेट से प्लांट है वो अपने मैच्योरिटी या लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, तभी वो राइपनिंग, बेसिकली बूढ़ा होते जा रहा है. ठीक है, जस्ट इमेजिन एक इंसान है और उसकी सांसें रुक गई.
ठीक है ना, जब उसकी सांस रुक जाती है, चाहे वो मर गया हो या फिर उसको एक मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे कि अभी अभी अवतार 2 अवतार कह लो, अवतार कह लो, जो भी कह लो आया था, ठीक है, कि क्रायो चैम्बर्स में जो है लोग रहते हैं, लोगों को क्रायो चैम्बर्स में रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जब क्रायो चैम्बर्स में किसी को रखेंगे तो उसका जो ग्रोथ है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि लेट से क्या बोलते हैं कैप्टन अमेरिका, ओके। अब ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है, रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। नाउ प्लांट्स या फ्रूट्स हो गया, इनके साथ भी कुछ यही होता है, जब इनका रेस्पिरेशन बंद हो जाता है या आप यूं कहते हो कि डिक्रीज हो जाता है, इनका जो मैच्योरिटी है ना ये स्लो हो जाता है, इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, वहीं पे एक फुल स्टॉप लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर जब भी कोई ऐसा फ्रूट होता है जिसको हम क्लाइमेक्ट्रिक कहते हैं, मान लो मैंगो हो गया या पपाया हो गया, इनको अगर आप तोड़ दोगे प्लांट से पूरा मैच्योरिटी होने से पहले, तो ये क्या होगा, इनके इनका रेस्पिरेशन चलते रहेगा, जिसकी वजह से ये मैच्योर होते रहेंगे, पकते रहेंगे, थोड़ी देर बाद सड़ जाएंगे और ये मतलब लिटरली खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि सिट्रस हो गया, लेमन हो गया, अब ये पकते नहीं है, अगर आपने इनको टेंडर स्टेज में तोड़ लिया तो ये एज इट इज इनका लाइफ साइकिल वहीं पर रुक जाता है, जिसको हम नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं, जहां पर इनका रेस्पिरेशन नहीं चलता है। क्लियर है, यस और नो? बहुत टाइम हो गया हॉर्टिकल्चर पढ़ाए हुए, क्लियर है कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन और क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का? ठीक है, आगे बढ़े या कोई और डाउट है? ओके, 2021 में पढ़ाया था मैंने हॉर्टिकल्चर, उसके बाद से तो आपके अलग अलग टीचर्स आ गए, फिर मैंने नहीं पढ़ाया। 2021 अक्टूबर तक पढ़ाया मैंने, अक्टूबर के बाद अलग अलग टीचर्स आ गए, अलग अलग नहीं, अक्टूबर नहीं, तो 2022 का जो एफ ओ, हाँ 2021 तक, ओके। चलो लेट्स गो अहेड नेक्स्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर्स वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर्स किसने यहाँ पर डिस्कवर किया था, मर्क्यूरी बेसिकली यूज होता है, ओके, एंड इसके यूसेस को किसने डिस्कवर किया था, कम ऑन आंसर। टोरिसेली, एरिस्टोटल, प्लिनी, गैलीलियो, नन ऑफ द एवर। सेप्टेम्बर तक ना, हाँ सेप्टेम्बर तक, 2021 सेप्टेम्बर तक मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे। लास्ट मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैच था जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे 2021 में, उसके बाद फिर पहली टीम आई थी, फिर उसके बाद सेकेंड टीम आई जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, मीनाक्षी मैम, क्या बोलते हैं, पुष्कर सर एंड हीना मैम, ये तीनों फरवरी में ज्वाइन किए थे 2022 में। सो दिस वाज द सेकेंड टीम, फर्स्ट टीम जो थी इट वाज नयन सर, देन रफीक मैम एंड उमे मैम, ओके, और फिर आकाश सर आए, क्योंकि पुष्कर सर ऑब्वियसली आपको पता होगा पुष्कर सर चले गए, तो आकाश सर आए, पुष्कर सर की UPPCS का है ना, STA, ओके। चलो लेट्स गो अहेड, ओके कंटिन्यू। ए टोरिसेली, ओके टोरिसेली, क्लियर नेक्स्ट। सो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी, सुपर इजी है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज नोन एज डैश, हाइड्रोमीटर, पायरानोमीटर, ऑल्टीमीटर, एनिमोमीटर, हेलीमीटर। यस, वेरी गुड, ठीक है, क्वेश्चन भी इजी है, आंसर और भी इजी है, ठीक है। द राइट आंसर हियर इज एनिमोमीटर, ठीक है। डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन बताता है विंड वेन, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म पीईटी वॉज कॉइंड बाय, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन। मेरे ख्याल से सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह में अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हो तो कितना वाटर लॉस होगा, और ये वाटर लॉस जनरली सॉइल इवेपोरेशन प्लस प्लांट से जो ट्रांसपीरेशन होता है उसी प्रोसेस से होता है। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन जितना कम होगा प्लांट्स के लिए, वाटर अवेलेबिलिटी या फिर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। सर का ऑलरेडी आप लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड, थॉर्नथवेट, ठीक है, क्या है इनका नाम, थॉर्नथवेट, ठीक है। नेक्स्ट, अ रेनी डे इज कॉल्ड व्हेन रेनफॉल रिसीव्ड इन 24 आवर्स इज डैश। स्कूल में अक्सर रेनी डे डिक्लेयर हुआ होगा आप लोगों को, मजा आ गया होगा, मैं तो ऐसा होता था, हम लोग गए बस स्टॉप तक और बस स्टॉप के पास बस वाला आके बोल रहा है आज स्कूल छुट्टी हो गई है, रेनी डे है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये इतना भी SMS व्हाट्सएप का वो जमाना नहीं था कि लोग बोलेंगे क्या चीज की भेज दिए, ठीक है, तो मोबाइल्स वगैरह इतना ज्यादा उस टाइम पे, लैंडलाइंस एंड ऑल्सो बसेस आते थे और बोलते थे आज स्कूल छुट्टी है भाई, ठीक है, आज आपका रेनी डे डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज
चलाइए ग्रेटर देन 2.5 mm, ठीक है। अब 24 घंटे तक अगर ग्रेटर देन 2.5 mm की बारिश होती है तो उसको रेनी डे डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची इज लोकेटेड एट डैश, ओके। सो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची कहां पर है? बहुत इजी है, ओके। इनको एनआरसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनआरसी कहा जाता है। सो एनआरसी फॉर लीची मुजफ्फरपुर बिहार कहां पर है? मुजफ्फरपुर बिहार में है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट, देखें कितने लोगों को यह पता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट चेन्नई, न्यू दिल्ली, नागपुर, गुड़गांव, पुणे। कम ऑन गाइस, आंसर। आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर, ग्रेट प्राची। हाँ, एनआरसीएल कहा जाता है। जितना भी आपके, देखो जितने भी आपके क्रॉप्स है ना, सबके एनआरसी आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ पॉपुलर है, ठीक है, कुछ उतने भी पॉपुलर नहीं है, ओके। सो कम ऑन नेक्स्ट। सो ए, चेन्नई, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन चेन्नई, वेरी गुड, ओके। सेंट्रल, जिन्होंने न्यू दिल्ली बोला गलत, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसको सिफिट कहते हैं इज लोकेटेड एट डैश, हरियाणा, पुणे, लुधियाना, गुड़गांव, भोपाल। जल्दी करो जल्दी करो, आपके ऑल इंडिया मॉक के लिए अभी मीटिंग है, जाना है। कॉल भी आ गया, नहीं पूरा करके ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ओके। सो लुधियाना, वेरी गुड, ठीक है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन डैश, ईयर है, रेयर है बट ईयर है। कम ऑन गाइस, आंसर। सेशन अच्छा लग रहा है तो वो जो लाइक का आइकॉन है ना, जो एकदम रंग बिरंगा लाइक होके आजकल आता है, उसको दबाना मत भूलना, ठीक है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICVIP वाज स्टार्टेड इन, विनर का भी नेम लीजिए सर, जो सबसे ज्यादा लास्ट में स्कोर करेगा, ठीक है, उसका नाम जरूर लिया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी बार AFO पार करके आएगा उसको ऑफिस में आने का इनविटेशन भी मिलेगा, पार्टी भी होगी, सब कुछ होगा। चलो 1970-71 न्यू सीड पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन, न्यू सीड पॉलिसी कब लॉन्च किया गया था? 1982-1992-1988-86-90 न्यू सीड पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन डैश। न्यू सीड पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन डैश, ओके। सो न्यू सीड पॉलिसी लॉन्च किया गया था 1988 में, ओके। हु कॉइंड द टर्म जेनेटिक्स? सुपर इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये जो गलत कर दिया ना भाई साहब, आपका बीएससी व्यर्थ है, गलत मत करना इसको। हु कॉइंड द टर्म जेनेटिक्स? कम ऑन गाइस, सुपर इजी है। ह्यूगो डी व्राइस, WL जॉनसन, मॉर्गन बैटसन, नन ऑफ द अबव। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है और सही है या गलत है। अर्पिता डी, धरित्री डी, फिटनेस वैटसन, विशु वैटसन, आशुतोष डी, सायक, अरिंदम, धरित्री, शिव, आद्या, ह्यूमैनिटी, स्मृति, वेरी गुड वेरी गुड, मुकेश, नरोत्तम, जसप्रीत, अंकिता, आकाश, लीजा, आरुषि, दिग्विजय, वेरी गुड गाइस, ठीक है, ओके, क्लियर। बैटसन, ओके सर, AFO का प्री बैच लेना है। देखिए 14th February से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि प्री प्लस मेंस है, सिर्फ प्री बैच नहीं है, ओके, प्री प्लस मेंस का बैच है, जो एक कंप्लीट बैच होगा आपका, 14th February से स्टार्ट हो रहा है। आप Adda247 के मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकते हो, कैटेगरी में एग्रीकल्चर चूज करना है, वहां पर आपको स्टोर दिखेगा नीचे, AFO वहां पर चूज करना है, फिर बाय नाउ पे जाके कोड आप यूज कर सकते हो Y291, मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी होगा मिल जाएगा, कुछ कॉइन्स होंगे वहां पे, उसको यूज कीजिएगा और बैच का प्राइस होगा 3080 rupees, ठीक है। प्री प्लस मेंस का बैच फाउंडेशन बैच है, ठीक है, 5 क्लासेस आपके एग्रीकल्चर, 5 फैकल्टी एग्रीकल्चर के, 3 फैकल्टी प्री के, ठीक है। सो ज्वाइन कर सकते हो आप, ओके, टिल देन चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जर्मप्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जर्मप्लाज्म थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? विज़मैन, मेंडल, डार्विन, ह्यूगो डी व्राइस या बोथ ए एंड बी? आंसर, अभी हुआ ही नहीं है बीएससी चलो
वेरी गुड मुकेश यार, मुकेश के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बहुत बढ़िया। किसने क्या किया था सारे के सारे उन्होंने लिस्ट कर दिए, वेरी गुड। नेक्स्ट द जॉन प्लेजेंट थ्योरी, कम ऑन, यस ओके, सो द राइट आंसर इज वाइज मैन। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल। अब यहां पर कुछ बेसिक जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, उसमें से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होंगे, एक दो जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वहां मैं समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल, नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है भाई, देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपको नहीं पता होगा, जो मुझे भी नहीं पता होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यार, एग्रीकल्चर इज लाइक, आप जितना पढ़ते जाओगे उतना नई नई चीजें मिलते जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। कंट्रोलिंग सेंटर की बात करेंगे, इट इज आपका न्यूक्लियस, क्या होगा, न्यूक्लियस, यस ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्यूडो डोमिनेंस, अब जिसको पता है आंसर करो, नहीं पता है मैं अच्छे से समझाऊंगा कि स्यूडो डोमिनेंस होता क्या है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्यूडो डोमिनेंस, कम ऑन, इन्वर्जन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, नन ऑफ द अबव। सर आपका एफओ का क्लास कितने दिनों से चलता है बता दीजिए। धनंजय ये तो एक साल हो गया चल रहा है, एक साल से भी ऊपर हो गया, ठीक है। सुबह 9 बजे क्लास होता है पहला, फिर 10 बजे, फिर पूरा दिन चलते रहता है। एफओ ना, एफओ 11 बजे 12 बजे, इतने 4 क्लासेस होते हैं एफओ के लिए, बाकी दिन में दूसरे पंजाब एडीओ, बीएसएफसी, मैथ इंग्लिश रीजनिंग के भी क्लासेस वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन 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 नहीं, ठीक है, यहां पर कुछ आंसर सही है, सायक, धरित्री, ठीक है, विशु, मुझे कुछ आंसर यहां पे सही भी दिख रहे हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डिलीशन। अब देखो सबसे पहले स्यूडो डोमिनेंस होता क्या है। अच्छा सभी को पता है रिसेसिव जीन्स और डोमिनेंट जीन्स के बारे में, यहां पर तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट होगा नहीं, ठीक है। डोमिनेंट जीन्स के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, रिसेसिव जीन्स बॉडी में रहते हैं लेकिन उनके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। रिसेसिव जीन्स दो भाई बहन है, ठीक है, रिसेसिव जीन वो, रिसेसिव जीन वो भाई या वो बहन है जिसको बहुत ज्यादा दूसरा भाई या बहन बहुत कूटता है, ठीक है, उसका खाना छीन लेता है, ओके, वो रिसेसिव जीन है, क्लियर। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना है, ठीक है। जो डोमिनेंट जीन है वो एक्सप्रेस करता है कि हाँ भाई ये है, मैं हूं, ठीक है ना, ये मेरे कैरेक्टर्स है, ओके। सो इसको, ये आपके रिसेसिव और डोमिनेंट जीन है। अब स्यूडो डोमिनेंस में क्या होता है, स्यूडो मतलब फेक, स्यूडो का मतलब क्या है, फेक। सो ये इसका मतलब फेक डोमिनेंस। अब डोमिनेंट जीन तो फेक डोमिनेंस दिखाएगा नहीं, ठीक है, तो फेक डोमिनेंस कौन दिखाएगा, रिसेसिव जीन दिखाएगा। कौन दिखाएगा फेक डोमिनेंस, रिसेसिव जीन दिखाएगा, ठीक है। तो रिसेसिव जीन तभी फेक डोमिनेंस दिखाएगा जब आपके डोमिनेंट जीन में से किसी भी तरह का डिलीशन होगा। मान लो लेट से एक एबीसी है, एक एबीसी है, ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये आपका रिसेसिव पेरेंट है, दिस इज द रिसेसिव पेरेंट, दिस इज द डोमिनेंट पेरेंट। अगर हम इन्हें क्रॉस करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, एबीसी मिलेगा, वरना एबीसी, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टर यहां पर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, राइट ओके। ये आपका मिला प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग, और उसमें से जनरली एबीसी जो है वो एक्सप्रेस होगा। लेकिन कुछ रीजंस के वजह से होता क्या है, डिलीशन होता है। अब डिलीशन में होता क्या है कि जब ये क्रॉस होंगे कुछ इस तरह का आएगा, एबीसी एसी, मान लो बी डिलीट हो गया। अब बी डिलीट होने की वजह से एसी, एबीसी डोमिनेंट तो था लेकिन अब जो ये एसी है ना ये उतना डोमिनेंट नहीं रहा, क्योंकि ये इतना डोमिनेंट नहीं रहा। अब एबीसी ने बोला कि यार मान लो जो बड़ा भाई था या बहन था जो हमेशा छोटे को कूटता रहता था या कूटती रहती थी, उसका एक दिन तबीयत खराब हो गया। अब उसके तबीयत खराब होने की वजह से छोटे ने क्या किया, दे कंबल ओढ़ के मार धमाधम धमाधम, ठीक है ना। तो ये वाला हाल यहां पर हो गया और जो एबीसी है मतलब जो रिसेसिव जीन है वो एक्सप्रेसिव हो गया। इसको हम कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस। अब बताओ यहां पर किसी को क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन है। देखो टेक्निकल टर्म्स में तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, बात समझने की है। जेनेटिक्स में प्रॉब्लम क्या आता है कि स्टूडेंट्स ना समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ओके। कितना अच्छा लगता है यार ये जब सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता था, बस लोड बहुत ज्यादा था वरना मजा बहुत आता था। जेनेटिक्स में तो अलग ही लेवल का मजा आता था, ठीक है। सो ये जनरली होता है, ठीक है, समझ में आया सभी को, क्लियर है, ओके ओके। ओके
यार हो तो सकता है हिंदी में, लेकिन यार मैं लाया नहीं हूँ. क्लियर. जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में मजा आता है सर, अल्टीमेट वाला. ओके सर, समझाने वाला ही नहीं मिले. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके सर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, पढ़ रहा हूँ सर. हिंदी में क्वेश्चन कराते तो 50+ क्वेश्चन बता देते सर. देखो यार मैं कराऊंगा, ठीक है ना. एक्चुअली ना टाइम नहीं मिलता है. मैं बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराता था, लेकिन अब इंग्लिश में कराता हूँ. मैं फिर से कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कराने के लिए. मैंने इसके बारे में सोचा भी है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है. ओके आई विल ट्राई. ओके चलो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, डोंट वरी. ओके बाकी जहां पर आपको दिक्कत हो रहा है ना, मतलब कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं आपको समझा दूंगा हिंदी में, ठीक है. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट, द सडन अपीयरेंस ऑफ अ रिसेसिव फिनोटाइप इन अ पेडिग्री ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ मास्किंग डोमिनेंट जीन इज नोन एज स्यूडो डोमिनेंस. ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. इसमें से कौन सा बेस है जो डीएनए में नहीं मिलता है? एडेनाइन, थाइमाइन, यूरासिल, सिस्टोसिन या ऑल ऑफ द अबव. इजी क्वेश्चन है. इसलिए मैं बोलता हूं, जब भी जहां पर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको बुक लैंग्वेज में पढ़ने की बजाय कुछ दूसरे टाइप का थॉट सोचिए कि क्या हो सकता है, ठीक है. मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, मुझे अगर आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम बोलोगे कि बायोलॉजी पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है, तो मैं मैथ्स पढ़ना प्रेफर करूंगा, ठीक है. मैथ्स के लिए मैथ्स मुझे इतना अच्छा लगता था, ठीक है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंजीनियरिंग को छोड़ के मैं एग्रीकल्चर में आया हूं. अब डिसीजन कितना सही था ये तो नहीं पता है, ठीक है. एक बार इंजीनियरिंग में आने के बाद भी मैंने सोचा कि यार तैयारी कर लें क्या आईआईटी की, ठीक है. दूसरी बार AI ट्रिपल ई की तैयारी कर लें क्या, ठीक है. एक बार तो हुआ है, दूसरी बार तो निकल ही जाएगा, थोड़ा और अच्छे कॉलेज में अच्छे रैंक से निकलेगा, ठीक है ना. लेकिन अगेन यहीं पे हूं मैं, ठीक है. सो एट द पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन से. हर एक बच्चा होगा जिसको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता होगा. जो अच्छा नहीं लगता है उसको अपने तरीके से अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको मजा आएगा. मुझे ना एंटो और पैथ फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. मतलब पूरा एक साल चला गया, मुझे एंटो और पैथ में मजा ही नहीं आता था, ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे उसको पढ़ने का तरीका बदला मैंने, ठीक है, चेंज किया थोड़ा सा. कॉलेज से निकल के जब मैं नहीं दे पाया इंजीनियरिंग का एग्जाम मेरे फर्स्ट ईयर के बाद एग्रीकल्चर में, तब मैं सोचा यार अब चलो घूमते हैं, देखते हैं भाई एग्रीकल्चर क्या है. मतलब फर्स्ट ईयर आई वाज लाइक कि एग्रीकल्चर मेरे को नहीं पढ़ना है, ठीक है. तब मैंने प्रैक्टिकली देखा कि डिजीजेस क्या होते हैं, पेस्ट इन्फेस्टेशन क्या होते हैं. तो मैं धीरे धीरे क्यूरियोसिटी आया, आइडेंटिफाई करेंगे, अब खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. चलो लेट्स गो अहेड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. आंसर इज यूरासिल. क्या होगा? यूरासिल होगा सर. FCI AG3 टेक्निकल फेज 2 पेपर 1 के लिए मॉक मिल जाएंगे क्या? प्लीज रिप्लाई. फेज 2 पेपर 1 के लिए हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, क्यों नहीं. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. 23 मैं लास्ट में बता दूंगा अगर आप क्लास में रहोगे, या फिर देखो डेडमैन करना क्या है. अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कैटेगरी में FCI कैटेगरी चुनो, AG3 या मैनेजर जो भी चुनना है चुन लो, उसमें उसके अंदर आपको फेज 2 पेपर 1 का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है. कम ऑन आंसर. मैं तो फोर्थ ईयर तक ऐसी ही थी. इन 5 मास्टर horizons, which horizon is called wash out horizon? अच्छे से पढ़ना, wash out horizon पूछा है. आंसर कम ऑन. प्लांट प्रोटेक्शन के सब्जेक्ट एंड ब्रीडिंग वॉज माई फैब, बट MSc वेजिटेबल साइंस से करनी पड़ी. मुकेश यूपी से हो क्या? बाय एनी चांस यूपी से हो क्या? क्लियर. ओके सो द राइट आंसर हियर इज क्या? अच्छा हाँ आंसर तो देखा ही नहीं मैंने. ई सी मतलब अगर ई बोल रहे हो एज एन होराइजन तो वो भी सही है, ठीक है. अगर सी ऑप्शन बोल रहे हो तो वो भी सही है, ठीक है. तो CE horizon is the right answer. हमेशा याद रखिएगा, E आपका होता है washing out या alluviation. क्या होता है? Alluviation. मतलब यहां से जो minerals है ना वो धूल के नीचे चले जाते हैं पानी के साथ. ओके उत्तराखंड से हो, ओके ठीक है. सो नेक्स्ट, ओके यहां पर E की अगर मैं बात करूं, जो भी यहां से धूल के आता है वो कहां आता है? वो B में आता है, ठीक है. और B को हम layer of एलुविएशन कहते हैं. ये एलुविएशन या इलुविएशन, ठीक है. सो ये एलुविएशन, ये इलुविएशन, ठीक है. सो बी को हम लेयर ऑफ इलुविएशन कहते हैं या फिर वॉशिंग इन कहते हैं. क्या कहते हैं? वॉशिंग इन, ठीक है. चलो सर, हाँ अगर ई नहीं होता तो
ओके, अगर ई नहीं होता ठीक है तो यहां पर ए होता। कभी भी अगर इल्यूविएशन पूछा होगा और ऑप्शन में आई होगा तो आई कभी मत लगाइएगा, आई इज अ सब होराइजन, आई मास्टर होराइजन नहीं है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। आई क्या है, आई एक सब होराइजन है, आई एक मास्टर होराइजन नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट ओके, ई होगा। हाँ, अगर ए नहीं होता या मान लो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी से कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि ई ऑलरेडी एक मास्टर होराइजन है, ठीक है ना, ए बी ई सी, ठीक है, ऑलरेडी सॉरी ए बी सी ऑलरेडी आपका ये एक मास्टर होराइजन है, तो उसको जो है यहां पर क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इज डैश। ओके, एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर क्या है, क्लाइमेट रिलीफ ऑर्गेनिज्म, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ द अबव। आंसर, क्योंकि हम ई को डेजिग्नेट करते हैं एज अ होराइजन, हम आई को डेजिग्नेट नहीं करते हैं, इसलिए ए है तब भी हम ई को डेजिग्नेट करते हैं अलग से, अगर ई ऑप्शन में नहीं होगा तो ए लगाना है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए का पार्ट ही है लेकिन हम ई को एज अ मास्टर होराइजन अलग से डेजिग्नेट करते हैं। एक बार सॉइल प्रोफाइल पढ़िए प्लीज, ठीक है, क्लियर। सो देखो, डी बोथ ए एंड सी, वेरी गुड। क्लोरपट क्या होता है, क्लोरपट, ठीक है, ये दोनों आपके एक्टिव हैं, क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन, आरपीटी रिलीफ, पैरेंट पैरेंट मटेरियल और टाइम, ठीक है। सो ये तीनों आपके पैसिव क्या है, पैसिव फैक्टर्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट, द पैरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड डैश। जो पैरेंट मटेरियल ग्रेविटी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लैकोस्ट्रीन, कोलुवाइन, एलुवियम, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ द अबव। यस, क्लोरपट सीएल और ओ एक्टिव है, आरपीटी आपका पैसिव है। पैरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक है, द राइट आंसर इज कोलुवियम, ठीक है, लैकोस्ट्राइन लेक, एलुवियम रिवर्स, ठीक है, याद रहेगा, ओके। सो बी कोलुवियम इज द राइट आंसर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इंटू ह्यूमस इज कॉल्ड डैश। रॉ ऑर्गेनिक मैटर मतलब केले का छिलका जब ह्यूमस बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन, ब्रोनिफिकेशन, रुब्रिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यार प्रोफाइल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, प्रोफाइल में ओ ए बी, ओ ए ई बी, ठीक है, ये तीनों से जनरली आपके क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। Yes, absolutely correct. Humification is the right answer. Removal of silica from soil and accumulation of sesquioxide oxide is known as. जब soil में से silica remove होता है और sesquioxide oxide accumulate होता है उसे क्या कहते हैं? बार बार बताया मैंने आपको, sesquioxide oxide क्या होता है? Iron and aluminium के oxides. ठीक है? इनको हम collectively sesquioxide कहते हैं. Podzolization, lateralization, glissation, both A and B, none of the above. Removal of silica from the soil and accumulation of sesquioxide is known as dash. एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ई इज नॉट काउंटेड इन मास्टर होराइजन, जसप्रीत किसने कहा, आईएसएस के वेबसाइट पे जाइए प्लीज और वहां पर चेक कीजिए, ओ ए ई बी सी आर, ओ ए ई बी सी आर, ठीक है, दीज आर द मास्टर होराइजन्स, आई को हम बी के साथ ही जो है इंक्लूड करते हैं, ये मास्टर होराइजन नहीं होता है, ये एक सब होराइजन होता है, ठीक है, ई के अंदर भी सब होराइजन्स होते हैं। एक बार बहुत कंफ्यूजन है, हमारे बहुत सारे बुक में ये मेंशन नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल सॉइल सोसाइटी के वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ओ ए ई बी सी आर। सो रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल, ओके, इसको हम लैटराइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट,
Slate is metamorphosis from which rock? Answer, come on. Come on, guys. Just a minute, please. Oh, clear? Shale. सैंडस्टोन. देखो स्लेट में जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो वी गेट सेल नॉट सैंडस्टोन. ठीक है. व्हाट इज ब्रोयूनिफिकेशन एंड रूब्रिफिकेशन? ब्रो ब्राउनिफिकेशन और रूब्रिफिकेशन धरित्री एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट नहीं है, डोंट वरी. ठीक है ना. नेक्स्ट रूब्रिफिकेशन बेसिकली प्रिंटिंग से रिलेटेड है. ओके. एंड ब्राउनिफिकेशन एग्रीकल्चर से तो रिलेटेड नहीं है. ठीक है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ओके. सॉइल सोर्स प्लास्टिसिटी एट डैश. प्लास्टिसिटी सबको पता है. प्लास्टिसिटी का मतलब आप यहां पे क्या कर सकते हो. व्हाट इज प्लास्टिसिटी? एनीवन? प्लास्टिसिटी क्या है? जब भी आप सॉइल को बिना तोड़े उसके शेप को चेंज कर सकते हो उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं. बचपन में जो गुड़िया है या जो डॉल्स है, जो भी मिट्टी के बर्तन है, वो सारे एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का. तो इसका मतलब क्ले होना चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. द राइट आंसर हियर इज मोर देन 50% क्ले. एप्रोप्रिएट फ्लॉक्यूलेशन ऑर्डर. फ्लॉक्यूलेशन डीफ्लॉक्यूलेशन सबको मालूम है. फ्लॉक्यूलेशन डीफ्लॉक्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? येस और नो? चेंजिंग द शेप ऑफ द सॉइल विदाउट क्रैकिंग इट. कम ऑन आंसर. भास्कर बहुत दिन बाद दिख रहे हो यहां पे. लचीलापन. राइट. फ्लॉक्यूलेशन डीफ्लॉक्यूलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? बहुत लोगों का यहां पे रहता है कि क्या बोलते हैं कौन फ्लॉक्यूलेशन पता ही नहीं है क्या है. ए. ठीक है. सो द राइट आंसर इज ए. नाउ व्हाट इज फ्लॉक्यूलेशन? अगर दूध में सिट्रिक एसिड, या मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इजी होगा पहले. हाँ, वेरी गुड. एग्रीगेट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फ्लॉक्यूलेशन का मतलब जब भी आप कोई ऐसा केमिकल डालते हो या फिर कोई ऐसा भी एलिमेंट डालते हो जिसके वजह से सॉइल में बड़े बड़े एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं उसको हम फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं. हाँ, एडहियर टुगेदर. ठीक है, साथ में चिपक जाते हैं. डीफ्लॉक्यूलेशन मतलब अलग अलग हो जाते हैं. इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जो आप डेली लाइफ से समझ पाओगे. ठीक है, जब भी दूध से पनीर बनता है या फिर दूध खराब हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा नींबू या सिट्रिक एसिड या विनेगर डाल के उसमें पनीर या छेना बनाते हैं. राइट. सो जैसे ही आप एक अच्छे से दूध में डालोगे नींबू तो वो दूध फट, कहते हैं कि दूध फट गया. दूध फटने के बाद क्या होता है, जो पनीर है या फिर जो केसिन प्रोटीन है वो एक दूसरे, फैट और केसिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ चिपकने लगता है. जो वो चिपकते हैं ना, छोटे 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 से बन जाते हैं बॉल जैसे, उसको हम कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन. ठीक है. सो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हो और फ्यूचर में कभी भूलोगे नहीं. ठीक है. नेक्स्ट. आगे महाराष्ट्र स्टेट पीसीएस में आया था. ओके, चलो नेक्स्ट. बहुत लोगों का क्लियर हुआ है धनंजय यहाँ पे. ठीक है, तभी तो क्लास कर रहे हैं. फिल्टर चैम्बर ऑफ होमोप्टेरन हेल्प्स इन रैपिड रिमूवल ऑफ डैश. होमोप्टेरन ऑर्डर है. ठीक है, उसमें उनका जो फिल्टर चैम्बर है वो किस चीज को रिमूव करने में हेल्प करता है? सॉल्ट वाटर एक्सक्रीटरी मटीरियल नाइट्रोजन नन ऑफ द अबव. कल किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा है. मैंने उसको रिप्लाई किया था, अब मुझे जरा बताओ लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा है इंसेक्टा क्लास में. इसके बाद मुझे बताना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंसेक्टा क्लास में लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा है? कमॉन. फिल्टर चैम्बर. जो स्टूडेंट्स पेड बैच के स्टूडेंट हैं भाई, आपका एक रिविजन क्लास का बना होगा छोटा सा पैकेज. ठीक है, 26 तारीख को उसमें मैं क्लास लूंगा, टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा. एग्रोनॉमी सॉइल साइंस वगैरह पढ़ के आ जाना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, मैं आपको क्या बताऊंगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप, मैं उसका पीडीएफ पहले ही दे दूंगा. उस दिन हम लोग बस डिस्कस कर लेंगे चीजों को. ठीक है ना, तो मैं आपको टाइम आपके टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा. तैयार रहना अच्छे से. एग्रोनॉमी सॉइल साइंस जो भी डाउट है नोट करके रखना, उस दिन सब कुछ डिस्कस करेंगे. कॉलियोप्टेरा. वेरी गुड गाइस. ठीक है, कॉलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट ऑर्डर. ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। फिल्टर चैम्बर ऑफ होमोप्टेरेंस बी वाटर को रिमूवल करने में हेल्प करता है। हेमोग्लोबिन एज अ ब्लड पिगमेंट इज फाउंड इन डैश। हेमोग्लोबिन एज अ ब्लड पिगमेंट कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है? सबसे छोटा है जोरोप्टेरा। जो बोलोगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लास में जब आएंगे तो जो भी होगा आपको कि सर ये पढ़ना है क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर। चलो, हेमोग्लोबिन एज अ ब्लड पिगमेंट इज फाउंड इन किरोनिमिड्स, छोटे छोटे से बग जैसे इंसेक्ट होते हैं, नॉट एग्जैक्टली बग, छोटे छोटे से एंट्स जिस तरह के दिखने वाले ये इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट एनामोर्फोसिस इज द फेनोमेनन फाउंड इन डैश। एनामोर्फोसिस किसमें पाया जाता है? एनामोर्फोसिस किसमें पाया जाता है? एनम पता नहीं, कोई बात नहीं। एनामोर्फोसिस इज द फेनोमेनन फाउंड इन डैश कॉकरोचेस हो गया। एनामोर्फोसिस किसमें देखने को मिलता है? कोलम्बोला, डिप्ल्यूरा, प्रोट्यूरा, थाइसनोरा, नन ऑफ द अबव। एनीवन? नहीं पता है, कोई टेंशन नहीं, पढ़ के जाओ, ठीक है ना? सी प्रोट्यूरा। क्या है प्रोट्यूरा? व्हाट इज एनामोर्फोसिस? एनामोर्फोसिस और एनामोर्फोजेनेसिस भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे बग्स या बीटल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और फिर वो बड़े भी होते हैं, राइट? सो जब वो छोटे से बड़े होते हैं तो होता क्या है, उनके बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स या बहुत सारे पार्ट्स हैं जो बड़े होते होते बनते हैं, जैसे कि एक बेबी है, ठीक है? जब एक ह्यूमन बेबी पैदा होता है तो उसके बॉडी में सारा जो भी ऑर्गन से वो प्रेजेंट होता है, ठीक है? वो जैसे बड़ा होता है वो ऑर्गन बड़े होते जाते हैं, ओके? लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोट्यूरेंस में क्या होता है कि जो भी छोटे इंसेक्ट से बड़ा इंसेक्ट बनता है ना, तो इनमें जो अपेंडेजेस हैं या फिर जो भी आपके लेट से क्या कहते हैं बॉडी में सेगमेंट्स हैं वो ऐड होते जाते हैं, ठीक है? सो द राइट आंसर इज प्रोट्यूरा, ओके? नेक्स्ट ऑल होगा पक्का? मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है? मैं एक बार कमेंट्स में इसको चेक करके कंफर्म कर दूंगा। ऑल होगा, कोलम्बोला, डिप्ल्यूरा, थाइसनोरा, ठीक है? चलो, एग्रोनॉमी सॉइल साइंस होता तो मैं थोड़ा जोर देके कह सकता था कि नहीं होगा, बट हाँ एंटो है, सो माइट बी अ चांस कि यहाँ पर मैंने गलती कर दी हो, ठीक है? सो मैं इसको एक बार चेक करूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्लियर है? एनामोर्फोसिस, मैल्फिजियन ट्यूबुल्स आर एब्सेंट इन Malphigian tubules are absent in, come on. Protura, Thysanoptera, Colembola, Isoptera, all of the above. इसके जगह पे आपको इंसेक्ट का नाम भी दिया जा सकता है एग्जाम में। Malphigian tubules are absent in Isoptera, Thysanoptera. B Thysanoptera. ऑल ये क्या है? नहीं, थाइसनोप्टेरा तो सही था, ये कोलम्बोला सी क्यों दिखा रहा है? ये एडिटेड, मतलब एडिट नहीं किया है मैंने, ठीक है? क्लियर। सो यहां पर थाइसनोप्टेरा और ऑल के बीच में डाउट है, ओके? सो थाइसनोप्टेरा होना चाहिए, ओके? प्रोट्यूरा एंड कोलम्बोला आइसोप्टेरा ऑल्सो। क्या यार सब सारे के सारे दोबारा चेक कराओगे क्या? ठीक है, नहीं कंफर्म करना बेटर है, ओके? क्यों बोल दूंगा कि हाँ सही है, पता चला यार बाद में गलत होगा, ओके? बीएससी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, ये तो गलत नहीं होगा, कम ऑन। बीएससी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, ठीक है? मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, अगर गलत होगा तो इसका सही आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है? बीएससी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय आंसर गाइस, कम ऑन। Yes, absolutely correct. Okay, BHC was first synthesized by Faraday. ठीक है, क्या है? Faraday होगा. Okay, among all the aflatoxins, aflatoxin B1 is the most toxic. Which species of aspergillus produces aflatoxin B1 and B2? Easy question है, मेरे ख्याल से groundnut में पढ़ा भी होगा. Okay, ento में पढ़ा भी होगा. Aflatoxin B1 and B2 कौन से एस्परजिलस के स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं? नाइजर, फ्लैबस, पैरासिटिकस, बोथ बी एंड सी, नन ऑफ द अबव। आंसर, कम ऑन।
Among all the aflatoxin, aflatoxin B1 is most toxic. Which species of aspergillus produces B1 and B2? Parasiticus नहीं होगा? बताओ parasiticus होगा या नहीं? Both B and C भी है ऑप्शन में. Answer, come on. Flavus, flavus, flavus. कोई बहुत लेट है क्लास में, ठीक है. सो देखो, सो यहां पर अगर बात करेंगे एफ्लेटॉक्सिन में B1, B2, G1, G2, ठीक है, इस तरह के यहां पर आपके टॉक्सिन्स होते हैं. तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये दोनों फ्लैबस और पैरासिटिकस में पाए जाते हैं. सो द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी, ठीक है. मेरे ख्याल से सी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है. सो एस्परजिलस फ्लैबस एंड पैरासिटिकस दोनों हैं, क्लियर. नेक्स्ट, वो इंट्रोड्यूस द बर्गंडी मिक्सचर यूजिंग सोडियम कार्बोनेट इन प्लेस ऑफ लाइम. लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट को यूज करके किसने बर्गंडी मिक्सचर को रीइंट्रोड्यूस किया था? मैसन, नरसिम्हम, सिंह, पीएमए मिलार्ड, नन ऑफ द अबव. कम ऑन आंसर. गर्मी आ गई, स्टूडियो के अंदर पसीने निकलने लगे हैं, क्या बताओ. बाहर ठंडी है, अंदर गर्मी है. दोनों है, फ्लैबस और पैरासिटिकस दोनों. 37 मैसन, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. 33, व्हाट इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ कॉपर कार्बोनेट, लीड ऑक्साइड एंड लिनसीड ऑयल इन चौबटिया पेस्ट. चौबटिया पेस्ट में कॉपर कार्बोनेट, लीड ऑक्साइड और लिनसीड ऑयल का एक्चुअल रेशियो कितना है? 1:1:1.25, 1:1:1.5, 2:1:2, 1:2:2 या 2:2:2. Answer guys, come on. Okay, so यहां पर अगर मैं एक्चुअल रेशियो की बात करूं तो राइट आंसर इज 1:1:1.25. ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है. चौबाटिया पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉपर कार्बोनेट, ओके, 800 ग्राम रेड लीड, 800 ग्राम एंड रॉ लिनसीड ऑयल और लैनोलिन 1 लीटर. ये जनरल रेशियो रहता है, जितना क्वांटिटी चाहिए वो उसी हिसाब से चेंज होते जाता है प्रोपोर्शन. दिस पेस्ट वॉज डेवलप्ड एज अ ओन ड्रेसिंग फंजीसाइड, ठीक है. जैसे आपका कहीं पर भी मान लो फंगल इन्फेक्शन हुआ तो जैसे आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हो, बिल्कुल वैसे उसी तरह इसको अप्लाई किया जाता है. टू बी अप्लाइड टू प्रून्ड पार्ट्स ऑफ पियर्स, एप्पल्स एंड पीचेस फॉर द कंट्रोल ऑफ द डिजीजेस सच एज स्टेम ब्लैक, स्टेम ब्राउन, पिंक डिजीज, स्टेम कैंकर ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स एंड कॉलर रॉट ऑफ एप्पल्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स एंड प्लम्स, ठीक है. तो मोस्टली इन्हीं डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है, ओके. चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम इन प्लांट पैथोलॉजी वॉज डेवलप्ड फॉर ग्रेप वाइन, डाउनी मिल्ड्यू, प्लाज्मोफोरा विटिकोला इन द ईयर डैश. आपको यहां पे ईयर पूछा है, लेकिन एग्जाम में ईयर की जगह आपको लेट से कॉमन नेम पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपको ये पूछ सकता है द फर्स्ट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम इन प्लांट पैथोलॉजी वॉज डेवलप्ड फॉर डैश. कौन से डिजीज के लिए डेवलप किया गया था वो ज्यादा जनरली क्या मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है. चौबटिया पेस्ट फ्रॉम चौबटिया उत्तराखंड. कम ऑन आंसर. 1913, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. द लार्जेस्ट एनिमल सेल इज डैश. भाई लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या है? ऑस्ट्रिच, हॉर्स, मंकी, डंक, नन ऑफ द अबव, मतलब फाउंड इन डैश. सर इस एंटोपैथो का क्या किया जाए इस टाइम पर? इस टाइम पर टेंशन ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहा है या फिर ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. जहां पर क्वेश्चन मिल रहा है, ओके, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सोर्स मिल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. जैसे मैंने बताया भाई आपका क्या बोलते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है. अगर नहीं हो रहा है तो इस टाइम पे टेंशन, नर्वस होने की बजाय छोड़ दीजिए. मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं पढ़ूंगा सब कुछ पढ़ूंगा, ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है, तो फिर आप परेशान हो, ठीक है. परेशान होने से बेटर है, 3-4 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, परेशान नहीं होना है. नहीं हो रहा है जाने दो,
ठीक है, अब इस स्टेज पे कर भी नहीं सकते हो कुछ, ठीक है, उल्टा कंफ्यूज हो गए, पुरानी चीजें और खराब होंगी, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, वेरी गुड। सो द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एनिमल सेल। भाई क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। रोज 9 बजे और 10 बजे ये क्लास होता है, एग्जाम तक हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, और एग्जाम के दिन एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है, तो जरूर आइएगा एग्जाम के बाद, ओके। तो टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ। ये रहा आपका ऑस्ट्रिच, ठीक है, एंड IBPS AFO का टेस्ट सीरीज है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाउंडेशन बैच। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 14th फरवरी से ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक प्री प्लस मेंस का बैच है, ठीक है। इसमें पहले आपके मेंस के सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, फिर आपके प्री के सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है। एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कीजिए, वहां पर ऊपर कैटेगरी में एग्रीकल्चर सिलेक्ट कीजिए, IBPS AFO आपको दिख जाएगा, ओपन कीजिए, आपको ये बैच दिख जाएगा, ठीक है। इसमें एनरोल करने के लिए बाय नाउ पे जाइए और यहाँ पर कूपन कोड यूज कीजिए Y291। जैसे आप अप्लाई करोगे 3219 होगा ये बैच, यहाँ पर कुछ कॉइन्स होंगे, जैसे ही आप कॉइन्स को टैप करोगे तो ये 3080 rupees का बैच हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, और 27 तारीख को आपका ऑल इंडिया मॉक होने वाला है, मैं अभी उसी के रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन सेट करेंगे, क्या करेंगे, सो उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। दैट इज अ कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक, प्लस आपको आपका रैंक वगैरह पता चलेगा, तो ऑब्वियसली फायदा होगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच मिस एग्रीकल्चरिस्ट, ओके। चलो सो और बहुत जल्दी हम लोग एक लोकेशन पे जाने वाले हैं और शायद वहां पे मिलेंगे भी, तो आसपास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे मैं बताऊंगा उस लोकेशन के बारे में, ठीक है, सो लेट्स मीट देयर, ओके। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जान पहचान वाले होंगे जो मिलेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी रिवील करेंगे कि कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर सर, 13 फरवरी से शुरू करना था बैच, अपेड़ा डे, कोई नहीं, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पे स्टार्ट कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत का दिन है, पढ़ाई से प्यार मोहब्बत करो, पहले क्या करियर सेट हो जाए, फिर बाकी प्यार मोहब्बत करते रहना, राइट। चलो सो लेट्स गो अहेड एंड नहीं गो अहेड नहीं यहीं पे रुकते हैं, ठीक है, और मिलेंगे हम लोग कल सुबह 9 बजे एट द सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, एंड सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।